इस माता का पर्व आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जयशु। आज हम इस माता का पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है और हमारे ईश्वर की माँ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने माँ मरियम के गर्भ से जन्म लिया है। जब प्रभु यीशु ईश्वर हैं तो माँ मरियम उनकी माँ है। तो इसीलिए इस नए साल की शुरुआत में बड़ी उमंग के साथ, पूरी भक्ति के साथ, जहाँ लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं, नए साल को बहुत ही उमंग के साथ मना रहे हैं, वहीं पर आप प्रभु के वचनों को देख रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि आप इस नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से शुरू करना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति से शुरू करना चाहते हैं, ईश्वरीय कृपाओं से शुरू करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। आज विशेष रूप से जब हम इस माता का पर्व मनाते हैं, आज हम मनन चिंतन करते हैं किस प्रकार से माँ इस माता बनी। माँ मरियम का ईश्वर से संबंध, एक प्रेम का संबंध। आज विशेष रूप से हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पर संख्या 16 से 21 में प्रभु के जन्म के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ आज इस माता का पर्व पूरी कलीसिया मना रही है। माँ मरियम न केवल प्रभु की माँ परंतु संपूर्ण कलीसिया की माँ है, क्योंकि जब माँ मरियम प्रेतों के साथ प्रार्थना कर रही थी, तब हमने यह पाया कि वह कलीसिया की माँ बनी। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, माँ मरियम कलीसिया की माता है और संपूर्ण कलीसिया को प्रार्थना में बांधे रखती है, संपूर्ण कलीसिया को साथ में रखती है। कई भाई बहन माँ मरियम को ईश माता कहने से कतराते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि गैब्रियल स्वर्गदूत स्वयं आकर उन्हें कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री और प्रभु आपके साथ हैं। इस कथन का अर्थ यही है कि स्वर्गदूत स्वयं आकर उन्हें प्रणाम करता है, किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन माँ मरियम को, जो कि ईश्वर की माँ बनने जा रही है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब हम देखते हैं और सुनते हैं कि किस प्रकार से माँ मरियम को ईश्वर ने अपने पुत्र की माँ बनाया, आज हम विशेष रूप से माँ मरियम के इस पर्व को मनाते हुए मनन चिंतन कर रहे हैं। हम देखते हैं एफेसस की महासभा में 431 में जब वह सभा हुई, उसका निर्णय यह निकला कि प्रभु यीशु दो गुणों से परिपूर्ण है, ईश्वरीय और मानवीय। जब प्रभु यीशु ईश्वर है तो उनकी माता माँ मरियम ईश माता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, और संत पिता पीयूष 6वें ने मरियालुस कुलतुस में वे कहते हैं कि माँ मरियम ईश माता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस नए साल की शुरुआत में हम जब कई ऐसे निर्णय लेते हैं, कई ऐसे कार्यों करने का संकल्प लेते हैं, उसी के साथ हम आज माँ मरियम से विशेष मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे संकल्पों को इस नए साल में पूरा करें, इस नए साल को पूरी भक्ति के साथ हम आगे ले जा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जहाँ संसार भर में लड़ाई है, झगड़ा है, जहाँ पर भेदभाव है, मतभेद है, वहाँ पर आज माँ मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें, हम सभी को ईश्वर के पास ले जाए, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस नए साल में आत्मदर्शन टीवी की ओर से
आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी को कृपाओं से आशीषों से भर दे। नीचे लिखे नंबरों पर ज़रूर आप व्हाट्सएप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।